अरे पूजा बेटा, मेरे लिए चाय लेके आना। जी पापा, अभी लाई। तबीयत कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा कोई दिक्कत हो ना बता देना, ये मत सोचना सुरजीत नहीं है, आप भी मेरे बेटे जैसी हो। नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है। हेलो। हेलो नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अरे कपिल बेटा, हाँ घर आना, कुछ काम है। ठीक है अंकल जी, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आ जाओ बेटा अंदर बैठ के बात करते हैं। आ जाओ बेटा बैठो। आपने बुलाया था अंकल जी, क्या काम था? बेटा तू तो जानता ही है, सुरजी ड्यूटी की वजह से बाहर रहता है और पूजा सैड सैड रहती है। मतलब अंकल जी? मतलब बेटा पूजा आपकी फ्रेंड भी है और उससे आपकी बनती भी है। ठीक है, एक आध बार घर आ जाया करो और उसका मन बहल जाएगा। हाँ अंकल जी। बेटा वो बाहर काम कर रही हो, मैं कोई मिल के आता हूँ अंकल जी। हाँ बेटा। यार कपिल तू ऐसे मत डरा कि ना। क्यों ना डराऊं, फ्रेंड में तो ये सब चलता है। तो फ्रेंड के साथ साथ में तुम्हारी भाभी भी हूँ। तो क्या हुआ, पहले तो फ्रेंड बनी थी ना, और तू जरा ये बताना तुझे सुरजीत से मिलाया किसने और भाभी बनाया किसने? ऑफ कोर्स तुमने, तुम इतने महान आदमी जो हो। इस महान आदमी को अपनी उदासी का कारण तो बताओ बच्चा। कुछ नहीं यार, बस अब तुम जाओ यहाँ से। तुम चुप चुप हो, जरूर कोई बात है, बताओ ना क्या राज है। तुम इन बकवासों के सिवा कुछ और भी आता है क्या? आता है ना। क्या समझना कि तू सुरजीत को मिस कर रही है? यार एक वाइफ अपने हस्बैंड को मिस नहीं करेगी तो और क्या करेगी? तू बोल तो सही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें उदास होने वाली बात कौन सी है। कपिल तुम इसे उठपटांग बातें क्यों करता है? अच्छा मैं उठपटांग, ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ तुझसे। हेलो। हेलो भाई कैसा है? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, बस मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि भाई मैं कल आ रहा हूँ। ओके फिर कल मिलते हैं। ओके पूजा को मत बताना, उसको मैं सरप्राइज दूंगा। ओके डन ब्रो। ओके बाय। देखो अंकल जी कौन आया है। अरे कौन आया है? अरे बेटा सुरजीत। अरे मेरा बेटा, क्या बात है सुरजीत बेटा, क्या बात बेटा, क्या बात। आप कैसे हो पापा जी? बहुत बढ़िया बेटा, आपकी याद बहुत आती थी बेटा। अब तो मैं आ चुका हूँ ना। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, अब आ गए हो ना आप। हाँ। तो बेटा फ्रेश हो जाओ और जाके पूजा से मिलो। ठीक है। अरे सुरजीत रुक, तू भूल गया पूजा को सरप्राइज देना था। तू यहीं रुक। हेलो पूजा। तो, मैं तुझे ना एक बात बताना भूल गया था। अच्छा तो बताना जरा, क्या बात बताना भूल गए थे? कि मैंने जादू करना सीख लिया। तो जादूगर साहब हमें भी तो अपना जादू दिखाइए।
तो बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? पता तो है मुझे क्या चाहिए। मतलब तुम्हें पता तो है मुझे तो सुरजीत से ही मिलना है। ठीक है तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ और तुम्हें सुरजीत से मिलाता हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो। बकवास नहीं, चलो अपनी आंखें बंद करो जल्दी से। बताओ कौन है? सुरजीत। कैसा लगा हमारा जादू? अच्छा मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अरे रुक। अरे नहीं यार, तू बहुत दिनों के बाद आया है, तू रेस्ट कर, मैं चलता हूँ। चल ठीक है भाई। आपने बताया भी नहीं। अरे मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करोगी। चलो ठीक है, आप बैठिए रेस्ट करिए, तब तक मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। पॉपुलर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ शशि तुषार शर्मा। हर रोज की तरह एक बार फिर से पॉपुलर न्यूज़ में हम वो तमाम खबरें आपको। गुड मॉर्निंग पापा। अरे सुरजीत भाई गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? बढ़िया, क्या कर रहे हो? अरे बेटा न्यूज़ देख रहा हूँ। क्या है आज न्यूज़ में नया? अरे बेटा आप न्यूज़ की छोड़ो, मेरी बात सुनो। बोलो। पूजा को इस हालत में आपकी जरूरत है, उसका ख्याल रखा करो। ठीक है, आप गर्दन क्या ला रहे हो, जाकर उसी काम में मदद करो। ठीक है मैं करता हूँ। ठीक है बेटा जाओ। पूजा ये सब छोड़ो, मैं कर लूँगा, आप रेस्ट करो। अरे नहीं यार। आप रेस्ट करो, ये सब मैं कर लूँगा, आ जाओ। पर सुरजीत। पर वर कुछ नहीं, आप रेस्ट करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ घर का सारा काम मैं खुद करूँगा, आप रेस्ट करो, ओनली रेस्ट। कितनी केयर करते हो मेरी। पापा आप पूरा दिन बैठे रहते हो, आप बोर नहीं होते? अरे बेटा मेरी छोड़, आपको वहाँ हमारी याद नहीं आती? याद आती तो है, पर वो भी तो हमारा फर्ज है ना। हाँ तू अपना फर्ज वहाँ जाके निभाना, जब तक यहाँ है हमारा ख्याल कर ले। आओ आओ कपिल बेटा, आओ आओ बैठो। भाई क्या खातिरदारी करे तेरी, कुछ खाने पीने का मंगवा ले। पूजा कपिल के लिए कुछ खाने पीने का लेके आना। बिल्कुल नहीं, आज मैं नहीं आप बनाएंगे कुछ खाने के लिए, क्यों पापा? ये भी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, पूजा तो रोज बनाती है खाने के लिए, आज तू बना कुछ खाने का। चलिए बनाइए। मैं कैसे देख लूँ ना पापा जी। बेटा मैं इन दोनों की तरफ हूँ, अगर आप इतना करे तो मैं आप पर तरस खा लेता हूँ, आप हमारे को ना चाय पिला दो। आप भी चलो ठीक है, मैं चाय बना कर लेके आता हूँ। हाँ तो भाई फौजी के हाथ की बनी चाय कैसी लगी? बेटा बहुत बढ़िया भाई, तेरे हाथ की चाय पी के बिल्कुल मजा आ गया। ठीक है अंकल जी अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है भाई सुरजीत। ठीक है भाई। हेलो जैन सर। सर मेरी तो एक महीने की छुट्टी मंजूर हुई है, लेकिन सर मेरी तो वाइफ प्रेग्नेंट है। ओके सर मैं कल सुबह आपको रिपोर्ट करता हूँ। आओ चुप के सलाम करियो ना जवाना नू, जिन्ना दे हिस्से एक का मोदा, किस कदर खुश नसीब ने ओ जवान। अरे तू कहाँ जा रहा है? मेरा बटालियन से कॉल आ गया, मुझे वापस जाना होगा। अरे बेटा तभी तो तुम्हारे थे यार, तू तो कह रहा है तू लंबी छुट्टी लेके आया है। और आपने मुझसे वादा किया था कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आप हमारे साथ रहेंगे। अरे तुम लोग समझो तो यार, मेरा जाना जरूरी है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, देखो पापा आप ही कुछ बोलो ना। तुम लोग मेरी मजबूरी तो समझो। क्या समझे, ये सही बोल रही है। हाँ भाई तू अभी तो आया था,
और अभी जा रहा है, ऐसे कैसे भाई? ये बिल्कुल गलत बात है, आप कम से कम हमारे बारे में नहीं तो हमारे बच्चे के बारे में तो सोचिए। पूजा, तुम हमारे बच्चे के बारे में सोच रही हो, पर मैं 29 बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। 30 बच्चे मतलब? मतलब ये कि आतंकवादियों ने स्कूल की बस को किडनैप कर लिया है और मेरा वहाँ जाना जरूरी है। क्या, मासूम बच्चों को किडनैप कर लिया? फिर तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपका वहाँ जाना जरूरी है और आप जाइए अपना फर्ज निभाइए। बेटा बहुत ठीक कह रही है। हाँ भाई। पूजा पूजा तो हमारे बच्चे का ख्याल रखो। आप इसकी चिंता मत करो, इसका ध्यान में रख लूंगी। अरे बेटा आप देर मत कर, जल्दी जाओ। ठीक है बाबा जी। लेकिन आपको जाने से पहले एक वादा करके जाना पड़ेगा। बोलो। इसके आने से पहले आप आ जाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापिस आऊंगा। ठीक है बेटा।